हेलो एमजी, ओपन सनरूफ। हेलो गाइस, मेरा नाम वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा वीरेंद्र आरटी यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको मिलती है बाइक्स की कार्स की वीडियो। तो आज हम आए हैं एमजी के शोरूम में हिसार डीलरशिप के अंदर। जानेंगे जो मेरे जो पीछे जो ब्लैक ब्यूटी खड़ी है वो एमजी हेक्टर है। मैं आपको एमजी हेक्टर के बारे में जितनी भी डिटेल होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड चलिए मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, गुड नेम मैम प्रिया। ओके मैम, तो आज हमारे साथ प्रिया मैम जो इनकी जो कार है इसकी डील देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ भी जानना हो तो आपके स्क्रीन पे हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर और आप हमारी जीमेल अकाउंट आ रहा है, आप इस पे हमें आप मेल करें और आपकी और हमें क्या व्हाट्सएप करें, जो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में आपको हर डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैम बात करें, मैम अपनी कंपनी के बारे में बताएं, मैम कब स्टैब्लिश हुई मैम कंपनी और मैम कहाँ से कंपनी बिलोंग करती है मैम? हेलो गाइस, मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज़ एमजी। एमजी मींस मॉरिस गैराज। ये 1924 में लॉन्च हुई थी और ये ब्रिटिश कंपनी है। ओके मैम। सो फ्रेंड्स चलिए मैम से पूछते हैं इनकी कुछ कार के बारे में स्पेसिफिक डिटेल। हम बात करते हैं, हमारी गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है, टाटा हीरियो से कंपेयर की जाती है और आप देखेंगे एमजी हेक्टर में इतने फीचर्स हैं, मतलब ये एक पूरी की पूरी इंटरनेट कार है। काफ़ी बढ़िया। तो मैम बात करें मैं अपनी कार की मैम इंजन स्पेसिफिक के बारे में, तो मैम इसके अंदर मैम हमें मैम कितने से इंजन मिलेगा, कितनी पावर मैम कितनी टॉर्क मिलेगी मैम? इंजन की बात करते हैं तो पेट्रोल में आपको 1500 cc का इंजन मिलेगा और जिसमें आपकी PS रहेगी 143 और आपका टॉर्क रहेगा 250। और बात करते हैं डीजल की, डीजल का इंजन आपको 2.0 और बात करें उसके PS की 173 और टॉर्क आपका 350 रहेगा। काफ़ी बढ़िया मैम। तो मैम बात करें मैं अपनी कार की फ्रंट प्रोफाइल की, तो हम उसके अंदर मैम कंपनी के द्वारा मैम हमें क्या देखने को मिला मैम फ्रंट प्रोफाइल में? हम बात करते हैं लाइट्स की। ये जो आप ये लाइट देख रहे हैं ये DRS लाइट है विद टर्न इंडिकेटर्स, जो एक बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। ओके मैम। बात करते हैं हम LEDs हेड लैम्प्स की, और LEDs लेड लैम्प्स के साथ आपको LEDs फॉग लैम्प्स भी दिए हुए हैं और विद क्रोम, जो एक कार की लुक को इनहेंस करके आता है। बात करते हैं हमारी ग्रिल की, ग्रिल सराउंडिंग ग्रिल, मतलब ये एक सराउंडिंग ग्रिल है विद क्रोम एसिंग और विद MG लोगो मॉरिस गैराज। बात करते हैं आप ये देख रहे हैं बम्पर, ये एक स्पोर्टी लुक बम्पर है जो एक बहुत अच्छे स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। और अब इसके सामने ही आप देखेंगे पार्किंग सेंसर हमें दिए हुए हैं विद कैमरा। इसमें एक फर्स्टली नई चीज़ ये ऐड की हुई है कि दिस इज़ ए 360 degree व्यू, कि जो कि आपको फ्रंट पे भी आपके कैमरा रहेगा और आपके OMVS में भी कैमरा रहेगा और आपके बैक में भी, जो कि आपकी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम में शो होगा। मैम तो मैम बात करें अपनी कार की साइड प्रोफाइल की, तो मैम इसके अंदर मैम हमें इसकी लेंथ हाइट विड्थ व्हील बेस और मैम ग्राउंड क्लीयरेंस मैम कितना मिला मैम कंपनी द्वारा? हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो आप इसकी लेंथ इसकी आपको 4655 mm और आप देख रहे हैं इसकी विड्थ चौड़ाई जो है 1835 mm और इसकी हाइट की बात करें तो 1760 mm और आप जो देख रहे हैं व्हील बेस रहेगा इसका 2750 और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी दी हुई है 192 mm। ओके मैम। मैम बात करें अपने कार की टायर प्रोफाइल की, तो मैम इसके अंदर हम कितने इंच का मैम टायर मिलेगा और मैम कौन से अलॉय व्हील मिले हैं कार के अंदर? हम बात करें टायर्स की तो आपके टायर्स का साइज 215/60 आर और जो ये अलॉयज आप देख रहे हैं ये 17 इंचेस के अलॉयज व्हील्स हैं। अलॉयज जो आप देख रहे हैं ये ड्यूल टोन मशीन्स अलॉय व्हील्स हैं। ओके मैम, काफ़ी बढ़िया मैम। अब हम बात करते हैं OMVS की, ये OMVS ऑटो एडजस्टेबल और फुल इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फुल डेबल एडजस्टेबल है विद इंडिकेटर्स, इसमें इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं ये आपको जो क्रोम दिख रही है ये एक वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डोर्स क्रोम्स लगाई हुई है इस पे। और मैम ये देख रहा हूँ जो आपने मैम क्रोम की मैम ये बताई मैम ये लास्ट तक मैम कैरी कर रखे मैम कंपनी मैम कार में? हाँ जी, क्रोम डोर्स हैंडल्स दिए हुए हैं इसमें। और आप ये नीचे देख रहे हैं इसमें मॉरिस गैराज का एक प्लेट्स भी लगाई हुई है सिल्वर क्रोम में। ओके मैम। तो मैम बात करें अपनी कार की मैम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो मैम इसके अंदर हम कितनी कैपेसिटी मिलते हैं फ्यूल टैंक की?
फ्यूल टैंक की आपकी कैपेसिटी रहेगी इसमें 60 लीटर्स। ओके मैम, माइलेज मैम कितनी क्लेम कर रही है मैम कंपनी मैम डीजल पेट्रोल? कंपनी डीजल में माइलेज कर रही है 16 to 17, बट कस्टमर फीडबैक है 15 दे रही है हाईवे पे। ओके मैम काफ़ी बढ़िया, 15 की एवरेज है इसकी हाईवे पे, ये कस्टमर का फीडबैक है। ओके तो हम बात करें अपनी कार की मैम बैक प्रोफाइल की, तो हम इसके अंदर हमें क्या देखने मिला हम कंपनी द्वारा मैम बैक प्रोफाइल में? फर्स्टली आप देख रहे हो इस पे शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, और देन देखते हैं हम स्पॉइलर की बात करते हैं, तो जो एक स्पोर्टी लुक में स्पॉइलर प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने। स्पॉइलर्स के साथ आपको हाई स्टॉप लैंप लाइट्स मिल जाएगी, नीचे आपको डिफोगर वॉशर वाइपर रेनिंग सेंसर वाइपर्स मिल जाते हैं इसमें। और देन हम बात करते हैं टेल लैंप्स की, जिसमें LEDs DRLS दिए हुए हैं विद रिफ्लेक्टर विद MG लोगो मॉरिस गैराज। ओके मैम काफ़ी बढ़िया, और आप देख रहे हैं इस गाड़ी का लोगो विद लोगो के साथ है हेक्टर। और देन इसकी ब्रांड की बात करते हैं तो इंटरनेट इनसाइड, दिस इज ए इंटरनेट कार टोटली। ओके मैम बात करें हम पीछे की तरफ मैम, हमें मैम कितने सेंसर मिले हैं और मैम कौन सा कैमरा मिला हम पीछे की तरफ बैक प्रोफाइल में? मैंने आपको पहले ही बताया था कि 360 डिग्री व्यूज है, तो देन अब इसके हम बात करते हैं इसके बैक में भी कैमरा दिया हुआ है और विद रेयर पार्किंग सेंसर। अब ये देख रहे हैं ये ड्यूअल डफर बम्पर डिजाइन है, जो कि एक गाड़ी की बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। मैम बात करें अपनी कार के मैम बूट स्पेस कैपेसिटी की, तो मैम क्या ऑप्शन मिलते हैं कार के मैम बूट को ओपन करने के? जो हमारा कार का बूट है वो जो ये टेल गेट ओपनिंग डोर है ये इलेक्ट्रिकल है, इसे हम पुश करेंगे ये देन ये ओपन हो जाएगी। ओके मैम, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी दिया गया है कि जो ये बूट स्पेस है ये हाइट एडजस्टेबल है, जितनी आपकी हाइट है ये ओपन पूरा भी हो जाएगा, और इसको आपको जितनी भी ओपन करना है ये उतना भी ओपन हो जाएगा, इसे आप प्रेस करोगे तो अब ये इतना ओपन हो गया। और बात करते हैं स्पेस की, आप स्पेस देख रहे हैं 587 का बूट स्पेस और विद ऑटो एडजस्टेबल कर्टेंस के साथ। फ्रेंड्स मैं आपको इनकी की के बारे में बता दूं, इसके अंदर आपको एक कीलेस एंट्री मिलती है जिसके अंदर आपको लॉक के अनलॉक के और बूट खोलने का ऑप्शन मिलता है, और उसके आपको सराउंडिंग आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। बैक साइड की बात करें इधर आपको MG का लोगो जो की को एक प्रीमियमनेस फील कराएगी। अब जानते हैं मैम से फर्स्ट रो में जाने के ऑप्शन क्या है। जैसे कि आपको सर ने बताया कि हमारे अंदर डोर में जाने का क्या ऑप्शन है, और आपको ये भी बताया कि कीलेस एंट्री है, और हम अब इसे पुश डोर्स के पुश करेंगे तो देन डोर ओपन हो जाएगा तो हम अंदर एंटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीथ में स्पेस है, जिससे हम बात करते हैं कि ड्राइवर को अंदर आने और जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ओके मैम, इसके अंदर आपको चार पावर विंडो मिलेगी, जो ड्राइवर साइड है वो अप एंड डाउन ऑटो ऑप्शन मिलेगा, लॉक और अनलॉक ऑप्शन। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं कार की फर्स्ट रो में, जानेंगे मैम से फर्स्ट रो में हमें कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, कार को हम ऑन करके दिखाएं कैसा लुक आता है हम कार का। अब हम बात करते हैं गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, हम बात करते हैं ये आप MID डिस्प्ले 8 इंच की इसमें MID डिस्प्ले दी हुई है, और ये आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये हमें कुछ मैसेज शो कर रही है, ये टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम है कि आपके टायर्स में कितनी एयर है कितना कम है, तो ये हमें शो कर रही है कि आपको एयर डलवाने की नीड्स हैं। देन हम बात करते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है वार्निंग मैसेज, इस वार्निंग मैसेज में हमें एक वार्निंग दी हुई है कि आपके टायर प्रेशर स्लो है, और नीचे इसके नीचे दिया हुआ है फेट्यूक ड्राइविंग, इसका मतलब ये है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हम टायर गाड़ी के मूवमेंट्स में जब कुछ डिफरेंस आता है तो गाड़ी को पता चल जाता है कि अब ड्राइवर के मूवमेंट्स में क्लच में ब्रेक्स में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो वो बोलती है कि आपको एक टी ब्रेक लेने की नीड है। हम बात करते हैं ड्राइविंग, ये आपको दिख रहा है सामने ड्राइविंग टाइमिंग मेंशन हो रहा है, तो अभी हमें गाड़ी में ऑन किए हुए गाड़ी को 8 सेकंड्स हो चुके हैं, और देन रेंज ये इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं है। करंट स्पीड ये इसलिए शो नहीं कर रही है क्योंकि अभी गाड़ी सिर्फ ऑन मूवमेंट्स में खड़ी है, और ट्रिप 2 में 19.0 किलोमीटर्स का सेकेंड ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप 19.0 का इसने तो शो किया कि आपका पहला ट्रिप इतने का था, और एवरेज 6.5 किलोमीटर। टायर प्रेशर मॉनिटर के सिस्टम साइड में आप ये देख रहे हैं आपको स्पीडोमीटर शो हो रहा है, जिसमें आपको सीट बेल्ट का रिमाइंडर और फ्यूल का रिमाइंडर इसके आइकन शो हो रहे हैं, और देन बात करते हैं इसमें RPM मीटर भी शो हो रहा है, और इसमें आपको हैंड ब्रेक का भी इंडिकेटर शो हो रहा है, और बाकी भी कुछ जो भी फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर शो होंगे। अब हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, आप देख रहे हैं इसमें आपको 10.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें फोन का ऑप्शन, ऑटो कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो,
आईकोल एक ऐसा फीचर है, मतलब ये एक फीचर ये है कि इट्स मीन्स सर्विस सेंटर, कि आप एक इसमें ना एक सिम डाला हुआ है, वो सिम इसमें 5 years के लिए रजिस्टर्ड है, जिसमें आपको 5 साल तक इंटरनेट भी फ्री मिलेगा, और आप इस कॉल को करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने कॉल किया कि एक्चुअली आपका कुछ भी इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, आपको नियर बाय कोई भी इसका सर्विस सेंटर पूछना है, तो ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। और बात करते हैं फिर हम गाना ऐप, इसमें इनबिल्ड है, आप कुछ कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, फाइल्स में आप कुछ भी रख सकते हैं शेयर करके, इनबॉक्स आपके मैसेजेस, सेटिंग्स में आप कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं इसकी, और टायर प्रेशर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपकी एयर के बारे में बताएगा। और आप जो ये देख रहे हैं नीचे AC ऑटो कंट्रोल, इसमें के आपके जितने भी रिमाइंडर्स हैं वो सब टच हैं, तो आपके यहाँ कहीं भी बटन शो नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टच पैनल दिया हुआ है। एयर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम के बाद हम होम पेज पे आ गए, इस पे आप देख रहे हैं म्यूजिक, GPS और FM, इसमें आपको नेविगेशंस भी पता चल सकती हैं, आप कुछ भी नेविगेशंस पे चेक कर सकते हैं अपनी लाइव लोकेशंस। और एक MG की एक ऐप है जिसमें आप अपनी लाइव लोकेशन किसी को भी सेंड कर सकते हैं, और कल को आप अपनी गाड़ी किसी को भी देते हैं तो आप उसकी भी लाइव लोकेशन जान सकते हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, व्हाटएवर, जो भी आप जानना चाहते हैं। हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, लेदर स्टीयरिंग व्हील्स आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है, और आप ये देख रहे हैं जो इसमें ये बटन्स हैं, बटन्स इसमें आपको ट्रीमीटर चेक करने के लिए दिया हुआ है, और क्रूज कंट्रोल कैसे सेट होता है और कैसे रीसेट होता है, और सेटिंग्स आपकी सेटिंग्स दी हुई हैं कैसे आपकी रीसेट होती हैं। बात करते हैं इस पे ऑप्शन दिया हुआ है रिकमांड, मतलब आप इसे कुछ भी बोलेंगे, ये एक MG का अपना फीचर है, हम उसे बोलेंगे हेलो MG, ओपन सनरूफ और ओपन प्लेइंग म्यूजिक, तो ये सब इसके बोलने पे ये सब वर्क करेगा। और इस पे आप देख रहे हैं ये सोर्सेज में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और वॉल्यूम प्लस माइनस, और सॉन्ग्स अप प्ले नेक्स्ट, और फोन कॉल्स का ऑप्शंस दिया हुआ है, कॉल डिसकनेक्ट कनेक्ट, ये सब फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही प्रोवाइड है। अब हम बात करते हैं, ये आप ये देख रहे हैं इसमें चार्जिंग पॉट दिया हुआ है और ऑक्स केबल कनेक्टिविटी दी हुई है। और बात करते हैं इसकी गियर बॉक्स की, सिक्स स्पीड इसमें गियर बॉक्स दिया हुआ है आपको, और देन आप ये बटन देख रहे हैं 360 डिग्री व्यूज, तो ये आपको ऐसे शो होगा 360 डिग्री, आपका ये फ्रंट हो गया, ये आपका साइड हो गया, और देन ये लेफ्ट साइड हो गया, ये पूरा आपका 360 डिग्री व्यूज आ गया इसमें आपका, और हैंड ब्रेक्स आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको हैंड रेस्ट मिलता है, उसके ऊपर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलेगी जो कि कार को एक प्रीमियम फील कराएगी, और आप इसको हैंड रेस्ट जो ओपन करोगे तो इधर आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा, जिसके कारण आप जैसे आपको आपका जो सामान आपको ठंडा रखना है तो इधर आप उसको आप कैरी कर सकते हो, जिसके कारण आपकी जो भी चीज़ होगी आप उसको कूल रख सकोगे। और बात करें इसके जो डैशबोर्ड की, तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे एयरबैग की ऑप्शन मिलती है, इनफिटिंग के आपको यहाँ पे ट्विटर मिलते हैं जो कि कार का जो म्यूजिक है उसको काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं, उसको एक काफ़ी आपको क्लियर आपको आवाज़ मिलेगी और काफ़ी आपको एक परफेक्ट साउंड मिलेगी कार की। इधर आपको AC वेंट मिलते हैं, AC वेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी हल्की सी जो कि AC वेंट को भी एक प्रीमियमनेस का आपको एहसास कराएगी, और उसके आपको सराउंडिंग सिल्वर की वो फिनिशिंग मिलेगी, वो भी कार का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके कार। मिडिल पोर्शन की बात करें, इधर आपको लेदर मिलेगा, उसके ऊपर आपको वाइट ये थ्रेडिंग मिलेगी जो कि कार की एक अलग से लुक आ रही है, आपको एक रिचनेस फील हो रही है जो कि लग्जरी कार में हमें ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। MG हमें कॉम्पैक्ट सेगमेंट SUV के अंदर ही हमें आपको बजट में आपको ये प्रोवाइड करा रही है। और की बात करें तो इधर भी आपको ये लेदर की वही जो मैंने आपको बताया वाइट थ्रेडिंग के साथ, इधर आपको पावर विंडो का ऑप्शनल, और उसके आपको साइड सराउंडिंग में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, ये भी कार को काफ़ी प्रीमियमनेस फील कराएगी, और साइड में भी आपको एक थगनेस फील होगी कार के अंदर, आप डोर को बंद करो आपको एक सॉलिड फील होगी कार। कार का मैम पैनोरामिक मैंने सुनी मैम कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, तो मैम उसकी मैम खोल रही मैम क्या ऑप्शन मैम ओपन करने की? जो मैंने आपको रिकमांड का ऑप्शन बताया था ना, तो वो रिकमांड हम हेलो MG ओपन सनरूफ बोलेंगे ना तो सनरूफ ओपन होगा, तो अब मैं आपको बता दिखाती हूँ। हेलो MG ओपन सनरूफ,
हम साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड सिस्टम में हमारे 4 स्पीकर्स और प्लस 4 ट्वीटर्स और सब बूफर्स के साथ प्रोवाइड किया गया है साउंड सिस्टम इन्फिनिटी का। और देन आप इसके साउंड सिस्टम रियर एसी वेंट्स के साथ आप ये देख रहे हैं कि एयरबैग्स, एक हमें फ्रंट में एयरबैग्स दिया हुआ है और एक को ड्राइवर सीट्स के साथ इसमें 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए हैं हमें एक सेकेंड रोम में और देन हमें थर्ड रोम में। तो फ्रेंड्स अब हम चुके हैं कार की सेकेंड रोम में, जानेंगे मैम से सेकेंड रोम में क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। हम बात करते हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैनुअल आपको सेकेंड रोम में भी मैनुअल रिक्लाइन सीट्स मिली हुई हैं 60-40, ये पूरी फोल्ड 60-40 फोल्ड हो जाएगी ये भी और देन नेक्स्ट वाली भी। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको सेकेंड रोम में भी रेयर एसी वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और देन हम इसके नीचे बात करते हैं, ये आपको 5 वोल्ट का USB कनेक्टर प्रोवाइड किया गया है। और आप जैसे देख रहे हैं इसमें आपका जो लेग रूम है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कंफर्टेबल फील जोन है। और अब ये देख रहे हैं ये आपको जो लाइट दिख रही है ये LED लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें। हम बात करते हैं सीट्स की, आप सीट्स देख रहे हैं लेदर सीट्स हमें इसमें दी गई हैं। और ये आप जो ये हेडरेस्ट देख रहे हैं ये भी एडजस्टेबल है, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप जिस जोन में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं बैठना। और बात करते हैं हम इसकी आर्मरेस्ट की बात करते हैं हम, ये आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं ये हमें 2 कप होल्डर्स के साथ प्रोवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स आपने कार की डिटेल थी वो जान ली है मैम के द्वारा, अब जानेंगे मैम से इनकी डिटेल क्या है, इनका शोरूम की प्रॉपर लोकेशन क्या है और इनका फोन नंबर क्या है और जो कार है जो ब्लैक ब्यूटी की MG की हेक्टर का टॉप मॉडल हमने आपको कवर किया है, इसकी एड शोरूम प्राइस क्या है, ओनर प्राइस क्या है और इनकी जो और कार आती है हेक्टर उनकी प्राइसिंग क्या है मैम, प्लीज मैम बताएं मैम। एक्चुअली मेरे शोरूम का एड्रेस मैं आपको बताना चाहूंगी, कैंट दिल्ली रोड बाईपास TCP नियर TCP अपोजिट TCP 1। हम बात करें अपनी कार की मैम प्राइस लिस्ट की, तो मैम प्राइस लिस्ट मैम क्या रहने वाली है मैम अपनी कार की। प्राइस लिस्ट में आपको बेस मॉडल का प्राइसेस है हमारा 12,68,800। देन हम बात करते हैं टॉप मॉडल के प्राइसेस की तो 18 लाख एक्स शोरूम प्राइसेस 18,68,800। और जैसा कि मैंने आपको जो अभी इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने आपको टॉप मॉडल की दी जिसका एक्स शोरूम प्राइसेस 18,68,800। ओके सो फ्रेंड्स किसी को भी MG के बारे में MG एक्टर होगी MG एक्टर प्लस होगी जो इनकी जो अपकमिंग जो MG की जो कार रहने वाली है उनके बारे में आपको कोई भी क्वारीज हो मैम के MG के बारे में तो मैम का मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। मैम का इस कार्ड पे मैम का नंबर दे रखा है, आप इस कार्ड पे जो मैम का नंबर है उस पे आप कॉल करें और आपकी कोई भी क्वारीज होगी मैम आपकी वो प्रोवाइड कराएगी, आपको उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जितना उतना शेयर कर दो।